बीएमसी के विरोधी पक्ष नेता और वार्ड 176 के तेजतर्रार नगर सेवक रवि राजा ने कई कार्यों का भूमि पूजन किया जो क्षेत्र के लोगों को भविष्य में काम आएगा। उन्होंने मांजरेकर मार्केट के पास की सड़क हो या फिर मक्कावाड़ी के पास की सड़क हो, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज चौराहा के पास की सड़क हो, सभी का भूमि पूजन किया और जल्द ही इस काम की शुरुआत होगी ऐसी घोषणा उन्होंने की। इस कार्य के शुरू होने से लोगों ने खुशी जताई है। महानगर पालिका का यहाँ पर आज सीमेंट कंक्रीट रोड का हेमंत मांजरेकर मार्ग का आज पूरा ये रोड जो है, जो डांबर का रोड है, उसको सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का प्रस्ताव महानगर पालिका में मैंने पास किया है और उसका आज भूमि पूजन आज यहाँ पर रखा गया है। जैसे आप जानते हैं कि इस एरिया में काफ़ी विकास हुआ है और एक विकास के आगे और यहाँ पर महानगर पालिका का जो चार बिल्डिंग है उसका भी रिपेयर करने का उसका भूमि पूजन आज यहाँ पर रखा गया है। मैं समझता हूँ कि एक नगर सेवक के जो और महानगर पालिका का विरोधी पक्ष नेता होते हुए हमारा काम बनता है कि एरिया का विकास होना चाहिए और विकास के माध्यम से आज इस एरिया का यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। खास करके इस 176 वार्ड में आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हर काम का, वो रामगढ़ बिल्डिंग का हो और टीएमसी कॉलोनी का हो, केडी गायकवाड़ नगर का हो, रास्ते का हो, तो ये एक लोगों को जो वादा किया है चुनाव के वक्त वो पूरा करने का काम यहाँ पर आज हो रहा है। यहाँ पर सीसी रोड बनाने का काम आज उसका भूमि पूजन हुआ है और साथ में इस जंक्शन जो है, पूरा जंक्शन हमारे में आता है, यानी आधा जंक्शन हमारे में आता है और आधा जंक्शन जो है हमारे प्रभा समिति के अध्यक्ष रामदास कामले के जंक्शन में आता है, तो दोनों का बॉर्डर में है ये जंक्शन, तो इसका उद्घाटन वो भी आज इसका माध्यम से हुआ है। तो लोगों का जो समस्या है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पर सुलझाने का काम हमारे माध्यम से हो रहा है और मैं खास करके हमारे महानगर पालिका के असिस्टेंट कमिश्नर श्री बिलाले जी और रोड के सभी जो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर सब इंजीनियर और बिल्डिंग के जो भी महानगर पालिका के ऑफिसर और साथ में ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सभी साथी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, मैं फिर से मैं महानगर पालिका का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ये काम जो हाथ में लिया है वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। एक बात यहाँ पर देखना है कि बारिश में यहाँ पर पानी भर रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हम सीसी रोड बना रहे हैं तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का ऐसा रोड, स्टॉर्म वाटर का भी कैपेसिटी होना चाहिए कि यहाँ पर पानी नहीं भरना, क्योंकि सीसी रोड बनने के बाद अगर पानी भरता है तो मुझे लगता है कि तकलीफ होगा, उसके ऊपर भी हमारे रोड डिपार्टमेंट ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 176 में एक सौमुखी विकास का कार्य चालू है, कई जगह पे सारे रोड बिल्डिंग रिपेयरिंग, बच्चे लोगों को लैपटॉप देने का, एजुकेशन संबंधी प्रोत्साहन करने का काम, ये सारा काम करने के लिए जब नगर सेवक या कोई भी व्यक्ति खुद अपनी यथाशक्ति रखता है तब काम होता है। काम करने के लिए यथाशक्ति की जरूरत है और मैं ऐसा लगता है मुझे, मैं बहुत सारे कार्यक्रम में, कल भी रात को भी चैम्बर के कार्यक्रम में था, आप भी थे उधर, तो मैं सौमुखी सब जगह पे घूमता हूँ, मेरे को लगता है कि मुंबई शहर में एक नंबर में जो प्रजा फाउंडेशन ने इनका नाम दिया है वो हकीकत में सही है कि इस तरह से मुंबई शहर में एक नंबर में सबसे ज़्यादा काम वार्ड नंबर 176 में हुआ और मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।